बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ़ यू फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर साइंस समर पैक का पेज नंबर 86 सॉल्व करेंगे। सो ओपन योर समर पैक एंड पेज नंबर 86। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास क्वेश्चन है, राइट डाउन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लैन। As you know students, LAN हमारे पास एक ऐसा network है जिसको हम एक office में, यानी एक ही office में या एक room में हम build कर सकते हैं। एक ही room में हम इस network को बना सकते हैं। तो इसके लिए एक room में ही हम computers को different devices के साथ connect करते हैं, यानी एक ही room में different computer जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ connected होते हैं। इसके जो एडवांटेजेस हैं वो ये हैं, कंप्यूटर कैन शेयर पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, स्टोरेज डिवाइसेस, स्कैनिंग डिवाइसेस, सीडी रोम। इसमें जो हम पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, प्रिंटर है, स्टोरेज डिवाइसेस हैं, स्कैनिंग डिवाइसेस, सीडी रोम को हम इजीली शेयर कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, यूज़र कैन सेव देयर वर्क सेंट्रली ऑन द कंप्यूटर सर्वर। यूज़र जो है वो अपने काम को, अपने वर्क को एज अ नेटवर्क, जो सर्वर हमारे पास होता है नेटवर्क, उसमें सेव कर सकता है। थर्ड, इसका एडवांटेज जो हमारे पास होता है वो है, यूज़र कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड ट्रांसफ़र डेटा बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर वेरी इजीली। यूज़र जो है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं इजीली और डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं इजीली, यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम डेटा को इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एप्लीकेशन पैकेजेस सच एज वर्ड्स प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, इस तरह के जो हमारे पास होते हैं एप्लीकेशन पैकेजेस वगैरह, इस तरह का जो डेटा होता है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इजीली ट्रांसफ़र हो सकता है। जिस तरह इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, इसी तरह कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हमारे पास हैं। सबसे पहले हमारे पास है, स्पेशल सिक्योरिटी मेजर आर नीडेड टू स्टॉप अनऑथराइज्ड यूज़र। इसको अनऑथराइज्ड यूज़र से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें स्पेशल किस्म की सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। सेकंड है हमारे पास लैन। सेकंड हमारे पास डिसएडवांटेज ये है, लैन नीड टू बी मेंटेन बाय स्केल्ड पर्सनल, यानी इसको मेंटेन करने के लिए हमें स्केल्ड पर्सनल की ज़रूरत होती है। इसको एवरीवन यूज़ नहीं कर सकता, इसको भी रन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमें स्केल्ड पर्सन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राइट डाउन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वैन। स्टूडेंट्स, वैन भी हमारे पास एक नेटवर्क की टाइप है जिस तरह लैन है। अब लैन जो है वो हमारे पास, एज यू नो, पिछले लेक्चर्स में भी आपको पता होगा कि लैन जो है ये भी टाइप ऑफ नेटवर्क है, वैन भी टाइप ऑफ नेटवर्क है। लैन एक छोटी सी टाइप है, एक इसको हम एक ही रूम में, एक ऑफिस में बिल्ड कर सकते हैं। अब जो वैन है इसको हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं, यानी ये वसी पैमाने पर होता है। इसमें एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, डिफरेंट लोकेशन में जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। इसके एडवांटेजेस ये हैं, इन वैन द यूज़र एट डिफरेंट लोकेशन आर कनेक्टेड टू सेंट्रल सर्वर, यानी डिफरेंट लोकेशंस जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ, एक ही सर्वर के साथ कनेक्ट होती हैं। सेकंड है, इट इज़ यूज्ड टू मॉनिटर डिस्टेंट लोकेशन एंड ऑफिसेस को हम यूज़ करते हैं डिफरेंट लोकेशंस और ऑफिसेस को मॉनिटर करने के लिए। इसके बाद हमारे पास इसके डिसएडवांटेजेस हैं, इन वैन सिक्योरिटी इज़ अ बिग इशू। वैन में जो सिक्योरिटी है वो सबसे बड़ा मसला होती है, सबसे बड़ा मसला होता है वैन में सिक्योरिटी का। सेकेंड है हमारे पास, सेटिंग अप अ नेटवर्क कैन बी एन एक्सपेंसिव एंड कम्प्लिकेटेड टास्क। इसकी जो सेटिंग होती है इस नेटवर्क की, वो एक तो एक्सपेंसिव होती है और इसके अलावा ये कम्प्लिकेटेड टास्क होता है। थर्ड वन हमारे पास है, मैनेजमेंट मेंटेनेंस
एंड ट्रबल शूटिंग वैन इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। मैनेजमेंट होती है जो मैनेजमेंट और मेंटेनेंस जो होती है इसमें वैन में, वो भी एक बहुत ही डिफ़िकल्ट पेचीदा सा टास्क होती है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा पेज नंबर 86। अब आपने इसी तरह इन दोनों क्वेश्चन को अपने समर पैक पे सॉल्व करना है, राइट भी करना है और अच्छी तरह लर्न भी करना है। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। अल्लाह हाफिज़।